पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाना क्षेत्र अंतर्गत आईपी एक्सटेंशन स्थित पृथ्वीराज चौहान वाटिका पार्क में युवती के साथ दोस्ती को लेकर युवकों के दो गुट के बीच झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। इस मारपीट में एक गुट ने एक युवक के सीने में धारदार हथियार घोंप दिया, जबकि उसके साथी के पैर में हथियार घोंप दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घायलों को उसके दोस्तों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया, जहां पुलिस ने एक लड़के को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके दोस्त का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुविहार थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक की पहचान अमान के तौर पर हुई है। अमान अपने परिवार के साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहता था। परिवार में माता पिता समेत कई लोग हैं।